वही तो आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आज के तमाम बड़े खबरों पर नजर डालते हैं। साहगंज ब्लॉक के खेता सराय थाना के अंतर्गत बाराकला गांव में प्रधान द्वारा 22 लाख का गबन का खुलासा हुआ। जांच करने पहुंचे परियोजना निदेशक वीडियो इन लोगों के जांच से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। प्रधान के गबन का हिस्सेदार मीडिया वालों के सामने बाइट देने से इनकार कर दिए। जौनपुर से हमारे संवाददाता विपिन चंद की रिपोर्ट। दो तरफ की दीवार उठा के छोड़ दिया है। शौचालय बनी क्या? कंप्लीट हो गई आपकी? नहीं कंप्लीट क्या, ना टंकी बनी है ना बर्तन लगा, टंकी नहीं बनी है। एक तरफ की दीवार उठा के छोड़ दिया प्लास्टर करके, छत भी नहीं बनी है। क्या किया जाए? शौचालय में आप बकरी बांध रहे हैं क्या? क्या करें, बकरी न बांधे तो क्या करेंगे उसमें? मोदी सरकार जो है हर गांव को ओडीएफ बनाने की दावा करती है, पूरे गांव में शौचालय शौच मुक्त की दावा करके, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो प्रधान बनवाया होता तब ना, प्रधान तो पैसा सब खा गया, हमारे खाते में पैसा नहीं आया। आपने समस्या नहीं कि भी किसी अधिकारी से? नहीं, अभी तो जो आए थे चेक करने के लिए उनसे कहे। क्या कहे अधिकारी? कहे कि पैसा हमारे खाते में नहीं आया था, न टंकी बनी है न छत बनी है। क्या नाम है आपका? इलियास अहमद। गाँव में पूरी पूरी समस्या है, जितनी समस्या होती है सब समस्या मत, कोई एक समस्या ऐसी नहीं जितनी तारीख हो रही है। विकास की बात है, सरकारी धन की लूट की बात है, और उस लूट को जब लोगों ने डीएम साहब को कई बार किया कहा, उसके बाद डीएम साहब ने जांच के लिए एक अधिकारी को नामित कर दिया। अधिकारी ने सारे गबन को ना करके, मतलब सारे गबन को जांच ना करके कुछ बिंदु पे जांच किया, तो उसमें लाखों रुपए यानी 20 लाख रुपए से ऊपर किया गबन पता चला। उसके बाद टेक्निकल जांच आ जाई है जैसा आप लोगों ने देखा है, और अधिकारी को जांच करने वाले टेक्निकल जांच करने वाले अधिकारी की जो टीम आई थी उसको भी आप लोगों ने देखा कि उनको जो जांच करना है वो अवॉइड करके भाग भाग के प्रधान के घर जाना, प्रधान से मिलना, प्रधान की बात करना और वहां जाके जमावड़ा बनाना। अब आप मीडिया कर्मी हैं, आप तो खुद गए थे वहां, देखा था प्रधान के यहाँ क्या जाना है, जो जांच स्थल है वहां जाना चाहिए ना, कि प्रधान के घर में जाके वहां आप। गांव में ऐसा क्या है जो विकास कार्य तो रुके, कुछ बताएं, जैसे जो आपने किस बिंदु पे जांच मांगा होगा जी आपने? देखिए गांव में सारा विकास रुका हुआ है, कोई एक विकास नहीं हुआ तो हम किसकी मतलब भ्रष्टाचार का विकास हुआ है आप समझ लीजिए, यानी भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। आपने डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या प्रधान के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? नहीं, अरे प्रधान के खिलाफ कार्रवाई का मतलब ये आप तो देख ही रहे हैं, जो जांच आई है ये टेक्निकल जांच आई है। टेक्निकल जांच का मतलब यह है कि प्रधान साहब सस्पेंड हो गए हैं अपने गबन की वजह से, अब गबन की वजह सस्पेंड हो गए हैं। उसके बाद ये टेक्निकल जांच आई थी, उसमें ये पता चलता कि ये जो चार, देखिए सारे बिंदु को काट के ये चार बिंदु बता रहे थे कि चार बिंदु पे हमको जांच करना, चार बिंदु पे जांच करना, हमने कहा चलिए ठीक है चार बिंदु पे आप जांच कीजिए, तो उस चार बिंदु पे भी वो पूरी तरह जांच नहीं किए, इधर उधर करते रहे। आप जो जांच अधिकारी संतुष्ट हैं जांच उनकी जांच से? कैसे संतुष्ट हो जाएंगे जब वो सारी जगह देखे नहीं है, कुछ जगहों पे देखे हैं। उसके बाद जो लाभार्थी हैं, जिसे लेटरिंग के लाभार्थी हैं, उनसे हमने कहा कि आप बात कर लीजिए, उनके खाते में प्रधान कह रहा पैसा डाले हैं कि नहीं डाले हैं, ये लाभार्थी खुद बताएगा, तो कह रहा हो गया हो गया हो गया। अरे भाई लाभार्थी से आप पूछिए ना, जिसकी आपका गांव ओडीएफ गांव है, ठीक है, सरकार ओडीएफ का दावा करती थी, क्या शौचालय पूर्ण जो बन चुकी है, क्या है गांव में शौचालय बन गई? आप भी तो देखे हैं साथ में, कोई शौचालय आपने पूर्ण देखा है? आप बताइए, आप भी देखे हैं कोई शौचालय पूर्ण है? आपके गांव में एक पंचायत भवन है, वहाँ पे जो है कब्जा है, वो कब्जा आज का नया नहीं है, वो कब्जा इस प्रधान और कुछ लोग कथा कथित लोग, ये लोग उस पे कब्जा करवाए थे पैसा लेके, जैसा कि वो महिला कह रही है, और उसको ये आश्वासन दिए थे, वो कह रही महिला कि हमको आश्वासन दिए थे कि हम मतलब आपके आवासी भूमि का पट्टा कर देंगे, उसके बाद तुम वहाँ अपना एक कॉलोनी पास करवा के रहना, और उससे कुछ पैसा वैसा लिए थे। ये सारा काम करने के लिए इन्होंने एक ऐसी जमीन को चुना जो कब्रिस्तान की जमीन थी, वहाँ इन्होंने रेखांकित किया, उसके बाद बुनियाद खोदी जाने लगी। बुनियाद जब खोदी जाने लगी तो वहाँ कब्रिस्तान वाले आए लाठी डंडा लेकर, प्रधान और उस जमाने का बदनाम जमाना लेखपाल निबुलात, ये सारे लोग वहां चले, क्योंकि तहसीलदार साहब भी आए थे, उनकी दरखास्त पे तहसीलदार साहब भी आए, उसके बाद ये लोग वहां से चले गए और सारा काम बंद हो गया। आज भी वो जमीन जहां हम बता रहे हैं उस पे बुनियाद पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। किस गांव का? सागन ब्लॉक के खेता सराय थाना के अंतर्गत बाराकला गांव में प्रधान द्वारा 22 लाख का गबन इसी गांव की एक महिला का
75,000 प्रधान लेकर आवास का लालच दिया। आवास ना दे पाने पर उसने कहा कि कब्रिस्तान की जमीन खाली पड़ी है, वहीं बनवाने को कहा। महिला बनाने के लिए गई तो गांव के सभी लोग विरोध करने लगे। उसके बाद प्रधान गांव में ही बने हुए पंचायत भवन में उस महिला को रखवा दिया। 216 शौचालय में से केवल 75 शौचालय लोगों को दिया गया है। गांव में जितने लोग को शौचालय दिया भी है तो पूर्ण रूप से बना नहीं है। जौनपुर से हमारे संवाददाता विपिन चंद की रिपोर्ट। क्या है पूरा, क्या समस्या आपको? प्रधान से हम कहें कि हमारे वतन नहीं है, हम यहाँ बाहर भटकी थे, भाड़ के रावा पे रही थे, तो हमें कोई जमीन दे, तो कहें कि ठीक है हम जमीन देवे, तो कहें कि हमें पैसा हमें कुछ दे, तो हम जमीन पट्टा कर दी, तो हम मतलब यहाँ बाहर से ले दे के मतलब 30,000 रुपया हमने दी है। वह कब्रिस्तान के बगल में हमें जमीन बताई दी है मौला गाड़ा पे, कह नहीं बनवाए ला, तो हम कहे कि इतना पैसा कहाँ मिली हम बनवाई दे। बहरहाल हम इधर उधर से अपने गांव के आदमी से और 60,000 रुपया हमारे आदमी हमें कैसे दिए रहे कि लड़कन की परवरिश करे खाती। हमारे 4 जवान जवान लड़की हैं, तो वही में कुछ लगा गया, यानी 75,000 का हम मटेरियल हमसे प्रधान गिरवाए। और 4 दिन 4 मिस्त्री और 8 लेबर लगवा के जे की जमीन रही कब्रिस्तान वाली जमीन वाले आए के रोकवाए दी। फिर उसके बाद हमारा 75,000 नुकसान हुआ। ये बताइए हमको, अब पंचायत भवन है, ये सरकारी भवन, तो कितने हम कि हम कहाँ जाइए, अब दूसरे घर में रहत रहे, अब दुल्हाई का घर रहा वही में हम रहत रहे, वह लोग निकाले लगे कि हम कहाँ जाई, तब कहें कि पंचायत भवन में रहा, जब हम तुम्हें जमीन पट्टा की देवे तब तू निकले। कितने सालों से आप रह रही हैं? हम इसमें 10 से है। प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए आवास योजना की तरह योजना लेके, आप एक गरीब परिवार से हैं, गरीब हैं, क्या आपको उसका लाभ मिला अब तक? नहीं, अब कुछ नहीं मिला। तो हम जब प्रधान से कही थे हमारा पैसा दे, तो हम निकली जब खाली करवाओ थे तो कहते तोरा भाड़े में कट गवा। ये पंचायत भवन का भाड़ा कौन ले रहा आपसे? लेते नहीं, हमारे जो 75,000 रुपया हम जब मांगी थे ना, तो कहते कि तोरा भाड़ा में कट गुआ, तो बताओ जो है 75,000 रुपया भाड़ा में कैसे कटा? ये किस चीज का भाड़ा प्रधान ने कहा? पंचायत भवन का, तो उनका अगर जोड़ ला 10 का, तो उनका और हो हमारे की यहाँ हर महीने कहते कि हर तीसरे महीना 1500 का भाड़ा का बताए। क्या आपको जो है राशन मिलता है सरकार तरफ से? हाँ, राशन मिलता है। और भी जो है कोई शौचालय जैसे अलर्ट हुआ हो या ओडीएफ की तरफ से जो कुछ योजना मोदी सरकार नहीं, से प्रधान कभी योजना था अपने की अपनी योजना के बारे में कहें कि हमें जो विधवा पेंशन का हमें खाता होता खुलवा। नहीं, आप प्रधान पास गई? हमारे पास घर नहीं है, सरकार जो घर बांट रही है के पास हम कम से कम गए हुए सैकड़ होता है, कोई सुनवाई नहीं कर, नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हाँ हाँ हाँ, हर बात का। हाँ हाँ, प्रधान के अलावा किसी अन्य अधिकारी के पास आपने गई अब तक? हाँ, SDM की हम गए रहे, DM की वो सब क्या कहें, उन लोग अपना कहें हाँ दिया दिवा, दिया दिवा, भाई तक तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। मैनपुरी के थाना बेबर की पुलिस कर्मी सोवन सिंह, जो सरकार द्वारा शुरू किए गए शास्त्र लाइसेंस की एक फाइल को केवल ऑफिस में आगे भेजने के लिए खुलेआम 3,000 रुपए प्रति फाइल लेते हैं और धमकी भी देते हैं, जिसके रुपए नहीं उसकी फाइल यही थाने में पड़ी रहेगी। उनका कहना है कि पैसा ऊपर तक जाता है, हम क्या करें, हर फाइल का रुपए के अनुसार हिसाब देना पड़ता है। मैनपुरी से हमारे संवाददाता मोहित तिवारी की। अरे जो बच्चे देवे से दे श्रीमान जी का भाई भिजवा दिए, जो फाइल 2,000 तो गई थी, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात और क्या, आप उन 2,000 हमें 2,000 नहीं, हमें 6,000 दे, पूछो 6,000। जम्मू कश्मीर के राजौरी जे स्कूल संगरू के इलाके में संगोला स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हर दिन पानी लेकर जाते हैं, उनकी भविष्य को किस तरह लिया जा रहा है ये तो किसी को पता ही नहीं है। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र की।
लेकर वो अंदर कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और इन गरीब बच्चों का हाल देखिएगा कि इन गरीब बच्चों का क्या हाल किया जा रहा है, किस तरीके से ये पानी ढो के ले जा रहे हैं और यहाँ पानी की किस कदर किल्लत है, स्कूल में पानी है या नहीं है, लेकिन इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। लिहाजा ये जो टीचर यहाँ समरोला हाई स्कूल में है, इन टीचरों के बारे में सोचा जाए कि जो इन छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से लेकर लेके छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो खराब हो रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये कितनी छोटी सारी बच्ची है, बेटा क्या नाम है आपका? शहरीन अख्तर। देखे किस तरीके से दो बाल्टियां उठाई हैं, ये 10 किलो की बाल्टी उठाई हुई है इस बेटी ने और इसने भी एक गैलने और बाल्टियां बाकेट किस तरीके से उठाकर ये बच्चियां पानी ले रही हैं। और ये देखें, ये गांव के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जरा हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखें बुजुर्गों, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये पानी ढोने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तालीम में खलल पड़ता है, खलल पड़ता है। आप इन टीचरों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा मैंने भी देखा, हम तो सोचते हैं कानून का खिलाफ फर्जी है ये, हर रोज ऐसा ही होता है, ये तो हर रोज ऐसा ही होता है, हर रोज ऐसा ही होता है। और ये देखिएगा पानी की हालात, कितना गंदा पानी यहाँ पे बच्चों को पिलाया जा रहा है। और ये बच्चे जो के घर से माँ बाप इनको स्कूल में भेजते हैं और ये आगे ये बच्चे जो है इस तरीके से इनको पानी ढोने पे लगा दिया गया है और इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी चौधरी एजाज असद साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस स्कूल का दौरा करें। और जौनपुर में जमीनी विवाद में हुए मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। जफराबाद थाना क्षेत्र के उत्तर गांव में राम बली मौर्य तथा हीरा लाल मौर्य के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद से संबंधित मुकदमे का निर्णय SOC स्तर के राम बली मौर्य के पक्ष में हुआ। राम बली मौर्य सुरेश चंद्र मौर्य खेत में सिंचाई कर रहे थे, इसी बीच दूसरे पक्ष के हीरा लाल मौर्य, मनोज मौर्य, सतीश मौर्य व रिंकू मौर्य लाठी डंडे रॉड का घातक हथियारों से लैस होकर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए राम बली मौर्य के साथ खेत में सिंचाई कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। इस मामले में सभी को गंभीर चोट आई, सूचना पर पहुंची डायल 100 की टीम ने घायल को जिला चिकित्सालय में इलाज कराया। घायल लोगों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए थानाध्यक्ष के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पूछने पर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। जौनपुर से हमारे संवाददाता पवन धीवर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे ऐसे ही जारी रहेगा, देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद।